नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। वैसे तो भोजन शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने का एक माध्यम भर है, लेकिन वास्तुशास्त्र में इसके व्यापक मायने हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन पकाने और खाने के लिए सही दिशाओं का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी होता है। सही दिशा में मुँह करके भोजन करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर पर वास्तु दोष भी नहीं लगता है। वास्तुशास्त्र में भोजन को लेकर और भी कई सारे नियम बताए गए हैं, जैसे कि भोजन करने के बाद इंसान को किन चीज़ों को करने से बचना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर ध्यान देंगे। पहला है हाथ धोना। कुछ लोग भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ धो लेते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें। थाली में हाथ धोना माँ लक्ष्मी को नाराज़ कर सकता है। भोजन की बर्बादी करना या अपमान करना भी माँ लक्ष्मी को नाराज़ करता है। इससे घर में आर्थिक तंगी छाने लगती है। इसके बाद गंदगी। वैसे तो किचन को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए, खासकर रात के समय किचन को गंदा छोड़ना वास्तु दोष को पैदा कर सकता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ होती है। वहीं रात के समय झूठे बर्तन व छोड़ना भी वास्तु दोष का कारण बनता है। इसके अलावा रोशनी। रसोई घर में जहाँ भी पीने का पानी रखा हो वहाँ रात के समय भी हल्की रोशनी रखें। बेहतर होगा कि रोज़ रात में वहाँ दीपक जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और बिना स्नान किए वहाँ या बिना हाथ धोए कभी भी खाना ना बनाएं। भोजन पकाते समय क्रोध और नकारात्मक विचारों से बचें। अपवित्र शरीर और मन से पकाया भोजन शरीर को नकारात्मकता देता है। इससे उसका शरीर कई तरह की बीमारियों से घिरने लगता है। इसके अलावा दिशा। दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी मुंह करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। खाना पकाने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा को ही शुभ माना जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।